यू आर नॉट रेडी फॉर रीयूनियन। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से अर्थ पर मिल लिए हैं तो रीयूनियन भी होगा, पर कुछ सिचुएशंस, कुछ हर्डल्स आपके एंड से भी अननोइंगली और नोइंगली क्रिएट हो जाते हैं, जिससे ट्विन फ्लेम रीयूनियन डिले हो जाता है। चाहे आपकी फिजिकल माइंड जो भी बता रही हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। डीप डाउन आपको पता होता है कि आपको थोड़ा टाइम और चाहिए रीयूनियन के लिए। इट्स नॉर्मल टू डिज़ायर दैट स्पेशल कनेक्शन, हाउएवर यू मे फील लाइक यू आर नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए डिवाइन फेमिनिन को भी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली रेडी होना पड़ता है। पर हाँ, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम टू सेम बिल्कुल नहीं हो सकती। सेम टू सेम मीन्स आप किस सिचुएशन में कहाँ और कैसे फर्स्ट टाइम अपने डीएम से मिलेंगे, आपका बबल लव कितने पीरियड का होगा, सेपरेशन किन हालात में होंगे, और कार्मिक बॉन्ड सिर्फ आपके साथ या ट्विन फ्लेम के साथ या आप दोनों के साथ होगा, या फिर दोनों ही कार्मिक बॉन्ड से अलग रहेंगे, कार्मिक पर्सन आपके साथ नहीं होगा, क्या सिचुएशन रहेगी। ये कार्मिक कनेक्शन में आप होंगे या नहीं होंगे, इसके साथ भी आप दोनों कितने हील हुए हैं और पास्ट लाइफ कर्मा का कितना बैगेजेस आप लेकर इस बार इनकार्नेट हुए हैं, ये सभी कुछ डिपेंड करता है। ये सभी मिलकर ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी एक सी नहीं हो सकती। इसीलिए आप लोग पूछते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं, सो प्लीज़ अगर आप पूछ भी रहे हैं तो एक जानकारी के लिए बस उतना ठीक है, क्योंकि सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक नहीं हो सकती ड्यू टू द अबव रीजंस। आप सबकी सोल अलग अलग है, तो सबकी ट्विन फ्लेम, सबका कर्मा, बैगेजेस अलग है, सबको डिवाइन ने अलग अलग टास्क दिया है, सबको। आपके साथ कितने कार्मिक लोग आपके लाइफ में जुड़े हैं, या हो सकता है आप जो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहा हो उसके साथ हो सकता है कार्मिक बॉन्ड में वो है ही नहीं अभी, क्योंकि क्लियर कर्मा लेके वो आई हैं या आए हैं। तो ऐसे में जर्नी सबकी अलग अलग होती है, पर स्टेजेस, ट्विन फ्लेम स्टेजेस सेम होते हैं। ट्विन फ्लेम स्टेजेस मीन्स द यर्निंग, जो एक मिलने की या एक अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग शुरू से ही होना। सेकेंड स्टेज हो गया मीटिंग योर ट्विन फ्लेम। थर्ड स्टेज धीरे धीरे कनेक्शन को समझ पाना। फोर्थ स्टेज बबल लव फेज। फिफ्थ स्टेज देन अगेन कन्फ्लिक्ट और सेपरेशन स्टेज। सिक्स्थ स्टेज हो गया रनर एंड चेजर फेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। तो ये सेवन स्टेजेस पर भी वीडियो बना हुआ है, जिस पर अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आज का वीडियो जो है उसी पे बात करेंगे कि क्या है वो तीन साइन जिससे आप जान पाएंगे कि आप अभी रेडी नहीं हैं रीयूनियन के लिए। देखिए, आप भी कहीं वो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, नंबर वन साइन, आप अभी रेडी नहीं हो पाए हैं डिवाइन रीयूनियन के लिए, वो है आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। यहाँ आपको समझना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ऐसे में कुछ ऐसी उम्मीद जो ना तो आपके लिए ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अच्छी है, अगर आप कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो यकीन माने आप खुद अपनी जर्नी डिले कर रहे होते हैं। योर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट एंड इवन रिजेंटमेंट टूवर्ड्स योर डिवाइन मैस्कुलिन। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई कन्वेंशनल टाइप लव अफेयर नहीं है, जहां हम कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन अनकंडीशनल लव। यहां आप फोर्सिबली कुछ भी नहीं कर सकते, अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल सकते। ऐसा करने से आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपनी जर्नी को डिले करते रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के रीयूनियन में आप तभी आ सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रीयूनियन में आप तभी आ सकते हैं जब आप पीसफुल स्टेट में आ चुके हों और हेल्दी वे में किसी के साथ कर्मा ना क्रिएट करते हुए ओपन माइंडेडली इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन टू
पर्सनल प्रॉब्लम्स, दिस अंडरस्टैंडिंग इज की टू सक्सेस. सेकेंड साइन आप रियूनियन के लिए रेडी नहीं है. सेकेंड साइन है आपने अपने पर्सनल इश्यूज, शेडो साइड्स अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए या उन पर वर्क शुरू नहीं किया. पर्सनल इश्यूज लाइक लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी एसेट्रास को अभी तक आपने डील एंड हील नहीं किया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम. अगर अभी भी आपने पर्सनल इश्यूज को, नेगेटिव ट्रेड्स को, आपके पर्सनल इश्यूज, आपके नेगेटिव ट्रेड्स को ठीक नहीं किया है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और इमोशनल अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे. तब पर्सनल इशू आपके इनसिक्योरिटीज को हाई करेंगे, ओवर डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं पर्सनल इशूज या शेडो साइड्स, और ऐसे में आपका रियूनियन डिले होता जाता है. इसीलिए पर्सनल इश्यूज को हील करना, डील करके हील करना बेहद जरूरी होता है ट्विन फ्लेम रियूनियन में. थर्ड, आप रियूनियन के लिए रेडी नहीं हैं अगर अभी तक आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ओवर इंडल्ज्ड हैं. इमोशनली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट आपने अभी भी नहीं लिया है या आपको अभी भी मुश्किल लग रहा है लेना, तो जर्नी में डिले हो सकता है. कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स कुड इंडिकेट दैट यू आर नॉट येट रेडी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड रियूनियन. ऐसे में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, इना वाक कीजिए. तो ये थे तीन साइंस जो इंडिकेट करता है आप रेडी नहीं हैं डिवाइन रीयूनियन पाने के लिए अपने ट्विन फ्लेम के साथ. इफ यू आर रिलेट टू एनी ऑफ दीज साइंस, फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप इन साइन को समझते हुए खुद पर वर्क करेंगे और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन 100% अचीव करेंगे. फॉर पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग अगर आपको जरूरी है, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है कि क्या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं वो वहम इल्यूजन तो नहीं. ऐसे में आपकी टाइम, एनर्जी और एज खास तौर से खराब होता रहता है, तो ये चेक अब जरूर करें. पर्सनल लव लाइफ सिचुएशन या लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो या करियर रिलेटेड रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप मुझे वहाँ पे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके फीस पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होगा. ये ध्यान में रखते ही आप मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और मुझे उम्मीद है ये तीनों, एक बात और, इन तीनों में से अगर कोई एक भी आप में अभी भी साइन दिख रहा है तो रियूनियन थोड़ा डिले हो सकता है, तो प्लीज़ इन पर वर्क करें और आप भी रियूनियन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अचीव करें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ. ओम नमः शिवाय.